प्रदेश में दलितों और महिलाओं पर हो रहे जघन्य अपराध और अत्याचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा एवं महिला मोर्चा ने शुक्रवार को कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा ने प्रदर्शन के दौरान सीएम अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की सरकार को जमकर निशाने पर लिया। अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र चौहान ने बताया कि पिछले 4.5 वर्ष के कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान राजस्थान प्रदेश में दलित महिलाओं और दलित के साथ अत्याचार दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान प्रदेश प्रथम स्थान पर है। थानागाजी, सामूहिक बलात्कार जैसी अनेक घटनाएं घटी है। करौली जिले के हिंडोन कस्बे में दलित समाज की 18 वर्षीय बेटी के साथ गैंग रेप के बाद तेजाब से जलाकर और गोली मारकर लाश को कुएं में डालने का जघन्य अपराध और हृदय विदारक घटना हुई है। भरतपुर जिले के रूपवास तहसील के गांव नौरहदा के 13 जुलाई की रात को सोते समय धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई है, लेकिन जनता का कांग्रेस की सरकार को कोई सरोकार नहीं है। दोनों ही मोर्चा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कलेक्ट्री पर जंगी प्रदर्शन कर कांग्रेस की सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने, घटना के दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने और अपराध की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। इस दौरान भाजपा नेता गजपाल सिंह राठौर, पूर्व महापौर रजनी डांगी सहित दोनों ही मोर्चा से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में उपस्थित थे। कविता जोशी, जिलाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा उदयपुर शहर। बहुत ही दुखद विषय है और अभी हाल ही में करौली में टोडा भीम के अंदर एक 18 साल की बच्ची के साथ हत्या कर दी गई, उनके साथ गैंग रेप हुआ और तो और उसकी शिनाख्त न हो पाए इसके लिए उस पर तेजाब भी डाल के कुएं में लटका दिया। कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई, लगभग ये 5 साल होने आ गए हैं, भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा आए दिन धरना प्रदर्शन हुआ है। आज पेपर उठा के देख लो, सोशल मीडिया देख लो, सब कुछ दुष्कर्म, महिला के साथ दुष्कर्म के मामलों से भरा पड़ा है। कांग्रेस सरकार को चेताने का भी बहुत बार प्रयास किया, सड़कों पर महिलाएं उतर कर आई है कि उनकी सुरक्षा करो। कांग्रेस सरकार जगह जगह हर जिले हर ग्राम पंचायत में राहत कैंप लगा रही है और अभी तो वीडियो कॉन्टेस्ट भी कर रही है। वो तो ये सोच रही है कि पैसों के दम पर राजनीति की जाती है, पर मैं गहलोत सरकार को बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए उनकी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि महिला सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो ये सोचता है कि महिलाओं के ऊपर वोट बैंक की राजनीति की जा सकती है, परंतु आने वाले चुनाव के अंदर ये राजस्थान पूरी तरीके से महिलाओं से असुरक्षित हो गया है कि महिलाएं कहीं पे भी अपने आप को सुरक्षा महसूस नहीं कर पा रही है। और तो और कड़ा नियम लाने के लिए हमने आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, परंतु उन्होंने इस तरफ ध्यान देने की बजाय अपनी कुर्सी का बचाव किया है। किस तरीके से उनकी कुर्सी बचनी चाहिए उस पर उन्होंने फोकस किया है, न कि महिलाओं को किस तरह से सुरक्षा देनी चाहिए उस पर उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान नहीं लिया है। और अभी तो चुनाव आने वाला है, आने वाले समय के अंदर ये जो आधी आबादी कहते हैं महिलाओं की, वो उन्हें बता देगा कि चुनाव में किस तरीके से उनको डिफीट मिलती है। पर सभी लोग बहुत ही दुखी हैं, महिलाएं और मेरे ये जो भाई है, पिछले 4.5 साल में कांग्रेस की सरकार के वक्त से ही महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बहुत ही बढ़ रही है। और रोज अपन जब उठते हैं, अखबार देखते हैं, तो वास्तव में मन बहुत ही खराब होता है। अभी हाल ही में करौली में 18 साल की लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ और उसके बाद उसको उसकी हत्या करके उसको तेजाब डालकर उसको कुएं में फेंक दिया गया है। यानी कि क्रूरता की हद तक राजस्थान में पार हो रही है। चाहे 2 साल की बेटी हो, चाहे 80 साल की बुढ़िया हो, चाहे 18 साल की लड़की हो, कुछ भी हो, चाहे दलित हो, निर्दोष बालिकाएं हैं, छोटी बालिका क्या समझती है, परंतु उसके साथ भी इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने बलात्कार की घटनाएं हो रही है। और राजस्थान आज नंबर 1 किस में है? राजस्थान नंबर 1 है आज बलात्कार के मामले में, राजस्थान नंबर 1 है अपराध में, राजस्थान नंबर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं गृह मंत्री है, अभी तक इन चीज़ों को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। और हमारी उनकी जो लीडर है बड़ी आदरणीय, जो उनकी राजकुमारी जी है, वो कहती है कि प्रियंका जी कि मैं तो बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे आए ना राजस्थान में,
सरकार के साथ में बात रखे ना, वो तो सरकार की मुखिया है, आज दिन तक उनको शर्म नहीं आई कि वो राजस्थान में आकर इस प्रकार की रोज नित नई घटनाएं हो रही है, उनके ऊपर उनका कोई वक्तव्य नहीं है। और उसके बाद वो अपने सरकार को बोले कि सरकार अगर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती है तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए। वास्तव में राजस्थान की जनता बहुत ही दुखी है, महिलाएं हैं, युवा हैं, दलित समाज के लोग मेरे साथ में खड़े हुए हैं, सभी लोग बहुत दुखी है। यह सरकार अगर नहीं मानेगी तो जनता सड़कों के ऊपर उतरेगी, महिलाएं सड़कों के ऊपर उतरेगी। अभी निश्चित रूप से इतनी महिलाएं सड़कों के ऊपर उतरी है, परंतु उसके बाद भी सरकार कोई दबाव न बना सकती है, न अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हुई है। ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार को त्यागपत्र देकर अपने घर चले जाना चाहिए।